नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आज आपको वाल्टर क्रथ हितकारिणी सभा के बारे में बताऊंगा। 1887 में एजेंट टू गवर्नर जनरल ब्रैडफोर्ड के इंग्लैंड चले जाने के बाद कर्नल वाल्टर मेवाड़ में रेजिडेंट बनकर आए। उसने राजपूत समाज में प्रचलित कुरीतियों की तरफ यहाँ के शासकों का ध्यान आकर्षित करने का निश्चय किया। उसने राजपूत समाज में व्याप्त कुरीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा कि आपकी जाति में टीका, नुक्ता, चारण, भाटों को त्याग, विवाह आदि के अवसरों पर अनावश्यक अधिक धनराशि खर्च की जाती है, जिससे धनी तो निर्धन होते हैं, निर्धन भी ऋण के बोझ से दब जाते हैं। धनाभाव के कारण कई बार जमीन गिरवी रखनी पड़ती है, अतः फिजूल खर्च और बाह्य आडंबरों से बचना चाहिए। जिस जाति की आर्थिक स्थिति खराब होती है वह उत्तरोत्तर पतन की ओर अग्रसर होती है, इसलिए राजपूत समाज की कुरीतियों में सुधार करना आवश्यक है। इन विचारों को व्यक्त करते हुए अक्टूबर 1887 में उसने राजस्थान के सभी राजाओं के पॉलिटिकल अधिकारियों को एक पत्र भेजकर प्रत्येक राज्य से एक अधिकारी, एक चारण और एक जागीरदार को मार्च 1888 में अजमेर भेजने को लिखा। 9 मार्च 1888 तक भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा को छोड़कर सभी राज्यों के प्रतिनिधि अजमेर में एकत्रित हुए। सभा ने मृत्यु भोज, जिसको नुक्ता कहा जाता है, संबंधी खर्च कम करने तथा लड़के लड़कियों की विवाह की आयु निश्चित करने के संबंध में प्रस्ताव पास किए। अगले वर्ष 22 फरवरी 1889 को अजमेर में पुनः राज्यों के प्रतिनिधि एकत्रित हुए, जिनमें कुछ नियम पारित करने के अलावा इस सभा का नाम वाल्टर क्रथ हितकारिणी सभा रखा गया। स्वयं एजेंट टू गवर्नर जनरल को इसका अध्यक्ष, अजमेर के कमिश्नर को उपाध्यक्ष और एक वेतनभोगी सचिव की व्यवस्था इसके अंतर्गत की गई। इस सभा का संगठन इस प्रकार किया गया कि राजस्थान के प्रत्येक राज्य से राजपूत जाति के 5-5 सदस्य नियुक्त किए गए। प्रतिवर्ष एजेंट टू गवर्नर जनरल की अध्यक्षता में एक सभा की एक वार्षिक बैठक होती थी। विभिन्न राज्यों में पृथक पृथक हितकारिणी सभाएं थीं, जो केंद्रीय सभा की शाखा मानी जाती थी, और कोई ना कोई उच्च अंग्रेज अधिकारी स्थानीय सभा का अध्यक्ष होता था। इसका सचिव भी सरकारी अधिकारी होता था, जिसे ब्रिटिश सरकार नियुक्त करती थी। प्रत्येक राज्य हितकारिणी सभा केंद्रीय सभा को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सुधारों के आंकड़े प्रस्तुत करती थी। केंद्रीय सभा अपनी वार्षिक बैठक में उन दोषों को दूर करने के लिए नियम बनाती जो ब्रिटिश अधिकारियों की दृष्टि में दोषपूर्ण समझे जाते थे। अब हम बात करेंगे कि वाल्टर क्रथ राजपूत हितकारिणी सभा ने सुधारों के लिए क्या क्या प्रयास किए। बहुविवाह की समाप्ति। वाल्टर सभा ने अपने नियमों में बहुविवाह को पूर्णतः समाप्त कर दिया। टीका व रीत की प्रथा समाप्ति करना। विवाह निश्चित होने पर वे उपहार जो कन्या पक्ष की ओर से दिए जाते थे टीका कहलाते थे, और वर पक्ष की ओर से दिए जाने वाले उपहार रीत कहलाते थे। वाल्टर क्रथ राजपूत हितकारिणी सभा ने टीके तथा रीत की प्रथाओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया। विवाह में लड़के और लड़की की आयु निश्चित करना। विवाह के लिए कम से कम लड़की के लिए 14 वर्ष और लड़की के लिए 18 वर्ष की आयु निश्चित कर दी गई। इस सभा द्वारा समाज सुधार संबंधी जो भी नियम बनाए गए उनका पालन करना प्रत्येक राजपूत को अनिवार्य कर्तव्य था। नियमों का उल्लंघन करने वाले पर जुर्माने किए जाने का प्रावधान भी किया था। अब हम बात करेंगे कि वाल्टर क्रथ राजपूत हितकारिणी सभा असफल क्यों हो गई।
प्रथम कारण तो है कि राजपूतों के रीति रिवाजों से परिचित न होना। वॉल्टर, जो कार्यवाहक एजेंट और गवर्नर जनरल थे, वह इंग्लैंड के निवासी थे। उसे राजपूत जाति के रीति रिवाजों के विषय में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। अतः केवल कानून के बल पर ही सुधारों को सफल बनाया नहीं जा सकता था। दूसरा कारण, वॉल्टर कृत सभा के नियमों का अव्यवहारिक होना। जैसा कि डॉक्टर एम एस जैन भी लिखते हैं कि देश हितेशनी सभा के नियम वास्तविकता तथा व्यवहारिकता पर आधारित थे, जबकि वॉल्टर कृत सभा के सिद्धांत अवास्तविक और अव्यवहारिक थे। इस सभा की असफलता इस बात पर निर्वाद रूप से प्रमाण थी कि सामाजिक सुधार बाहर के व्यक्तियों के द्वारा नहीं किए जा सकते। एक अन्य कारण है कि वॉल्टर सभा में नौकरशाही का बोलबाला था। वॉल्टर सभा पर नौकरशाही छाई हुई थी। सरकारी सचिव इस सभाओं का आयोजन करते थे। 1917 में अलवर नरेश ने यह स्वीकार किया था कि वॉल्टर कृत राजपूत हितकानी सभा केवल कागजों पर जीवित थी, इसके पृष्ठों पर कोई कार्य नहीं होता था। इस संस्था के सरकारी होने से राजपूत काफ़ी नाराज थे, अतः राजपूतों का पूर्ण सहयोग भी इसे प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त शिक्षा के प्रसार के लिए इस सभा ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए, और बिना शिक्षा के किसी भी समाज में परिवर्तन लाना या सुधार करना असंभव हो जाता है। वॉल्टर के ये सुधार सराहनीय थे। इस सभा द्वारा बनाए गए नियमों को अधिकांश राजपूत स्वीकार कर उनका पालन भी करते रहे, किंतु 1924 के बाद यह संस्था शिथिल पड़ गई। 1924 तक इसका कोई अधिवेशन नहीं हुआ। 1936 में राजस्थान के 9 राज्यों ने मत व्यक्त किया कि इस संस्था को शांतिपूर्वक समाप्त हो जाना चाहिए, परंतु एजेंट टू गवर्नर जनरल की इच्छा अनुसार इसे जीवित रखा गया। इस सभा की असफलता यह सिद्ध करती है कि सामाजिक सुधार बाहर के व्यक्तियों के द्वारा संभव नहीं है। सभा के कार्यों से राजपूत समाज में अपनी सामाजिक सुधारों के प्रति एक जागरूकता अवश्य पैदा हो गई थी। हितकानी सभा के अधिवेशन में एजेंट टू गवर्नर जनरल ओग्लिव ने सभा को समाप्त करने अथवा बनाए रखने की बात कहते हुए स्पष्ट कहा था कि अब मैं इस कार्य को नहीं कर सकूंगा। तब भी सभी प्रतिनिधियों ने इस सभा के अब तक के कार्यों को सराहा करते हुए कहा था कि इस सभा को जीवित रखना आवश्यक है। इसी के द्वारा अब तक राजपूत जाति की उन्नति होती आई है और भविष्य में भी होगी। इस प्रकार कितनी भी असफलता हो, परंतु अपने इस छोटे से जीवन काल में वॉल्टर कृत राजपूत हितकारी सभा ने जो भी सुधार किए वो निस्संदेह सराहनीय है। धन्यवाद।